सारे नियम मान लो, नियम से रिश्ता जोड़ लो। स्कूल में सुरक्षा। सारे बच्चे ध्यान से सुने, कल हमारे स्कूल में टीचर्स डे मनाया जाएगा और सबसे खास बात ये है कि कल आप सबको मौका मिलेगा टीचर बनने का। मैडम बहुत मजा आएगा। चलो बच्चों, अगली क्लास में जाने के लिए लाइन बनाओ। कोई लाइन के बाहर नहीं। कल जब मैं टीचर बनूंगा तो बस जिस बच्चे का जो मन हो वो करे, कोई नियम नहीं। सारे नियम तोड़ दो, नियम से रिश्ता तोड़ दो। तुम कौन सी टीचर बन के आई हो? हिंदी टीचर। और तुम? स्पोर्ट्स सर। सर आज क्या करेंगे? जो तुम्हारी मर्जी हो, कोई नियम नहीं। थैंक यू सर, आप बेस्ट हो। कोई नियम नहीं मतलब आज तो क्लास में खेलेंगे पकड़म पकड़ाई। नहीं नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। क्लास में पकड़म पकड़ाई खेलने से तुम्हें चोट लग सकती है, तुम किसी चीज से टकरा सकते हो। अरे ये क्या था? सर हम एरोप्लेन से खेल रहे। तुम ऊपर क्यों चढ़े? हमारी मर्जी सर, हमें यहाँ खेलने में मजा आ रहा है। अरे अरे लड़ क्यों रहे हो? सर ये मुझे कूदने वाली रस्सी नहीं दे रही। तुम लोग एक एक करके साथ खेल लो। नहीं सर, ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि हमें मिलके खेलना है। अब ये किसने फेंकी? तुम सो क्यों रहे हो? सर मुझे खेलना नहीं है, सोना है। मेरी मर्जी तो बस यही है। हमारी मर्जी। अरे नहीं, अरे रुको, स्माइली कहाँ हो तुम? क्या हुआ टिंकू? देखो क्या हो रहा है क्लास में। हाँ हाँ, और गाओ, सारे नियम तोड़ दो, नियम से रिश्ता तोड़ दो। नहीं नहीं, अब तो गाना पड़ेगा, सारे नियम मान लो, नियम से रिश्ता जोड़ लो। मैडम कहाँ हो आप? मैं आ गई बच्चों। सारे बच्चे हो जाएं फ्रीज। मैडम सब गड़बड़ हो गया। मैं देख सकती हूँ, बेंच या टेबल पे चढ़ना गलत, एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश बिल्कुल गलत। सही कहा छोटी मैडम। सॉरी मैडम, आज से पहले क्लास में हमारे लिए खतरों के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। और नियम हम सबके लिए कितने जरूरी होते हैं वो भी नहीं सोचा था। क्लास में बॉल से खेलना या सब अपनी मर्जी से करना, इनके लिए तो नियम होने ही चाहिए, क्योंकि इनसे किसी को लग सकती है और स्कूल में गड़बड़ ही गड़बड़ हो सकती है। लेकिन कुछ नियम की जरूरत नहीं है। अच्छा जैसे? जैसे लाइन तोड़ना और कॉरिडोर में भागने से क्या होगा? क्यों टिंकू, अगर कॉरिडोर में भागते हुए तुम किसी से टकरा जाओ तो? ये नियम भी जरूरी है। और सोचो बच्चों, और कौन से नियम जरूरी हैं? मैडम हमको खेल के मैदान में खेलने के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही स्माइली। थैंक यू मैडम। मुझे उम्मीद है कि जो नियम आज हमने मिलकर बनाए हैं, उनको तुम कभी नहीं तोड़ोगे। कभी नहीं। समझदार समझदार टिंकू हो गया समझदार, जानकार जानकार बना टिंकू अब जानकार। खतरों को समझा, खतरों को जाना, नहीं मिलेगा खतरों को अब कोई बहाना। दोस्तों आपको भी अपने स्कूल में सभी नियमों को मानना चाहिए। क्या आप कुछ नियम बता सकते हैं जो हमें स्कूल में ध्यान में रखने चाहिए? सोचकर अपने परिवार और दोस्तों को बताएं। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।